हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वार्डरोब को ऑर्गेनाइज्ड रखने के कई फायदे हैं। जब आपका वार्डरोब ऑर्गेनाइज्ड रहेगा तो आपको वार्डरोब में रखे कपड़े और आइटम्स आसानी से मिल जाएंगे और इससे आपके टाइम की बहुत बचत होगी। ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब के हेल्प से आप अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं। कई बार अनऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब में हमें हमारे कपड़े आसानी से नहीं मिलते हैं या हम उन्हें रखकर भूल जाते हैं और फिर ढेर सारे कपड़े परचेज कर लेते हैं। एक क्लटर्ड और बिखरा हुआ वार्डरोब आपको स्ट्रेसफुल और एंशियस कर सकता है, मगर कई बार लाख कोशिशों के बाद भी हम अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज्ड नहीं रख पाते हैं। कई बार हम वार्डरोब को तो ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, मगर हम उसे मेंटेन नहीं कर पाते हैं और कुछ दिनों में हमारा वार्डरोब फिर से क्लटर्ड हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने वार्डरोब को हमेशा ही ऑर्गेनाइज्ड और क्लटर फ्री देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आई एम श्योर ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, अपने कबर्ड को ऑर्गेनाइज करने से पहले उसे पूरी तरह से खाली कर लीजिए। इसका ये फायदा होगा कि आप हर कपड़े और आइटम को अच्छे से एसेस कर पाएंगे। आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या रखना है, क्या डोनेट करना है और किन सामानों को डिस्कार्ड करना है। एम्प्टी कबर्ड को देखकर भी आप ये एसेस कर पाएंगे कि उसमें आप कितने कपड़े और आइटम्स एडजस्ट कर सकते हैं। अपने वार्डरोब को क्लीन करने के बाद उसमें अपने चॉइस का कोई भी लाइनर ज़रूर बिछाइए। इससे आपके लिए वार्डरोब को क्लीन और मेंटेन्ड रखना आसान हो जाएगा। वार्डरोब को एम्प्टी करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है डीक्लटरिंग। दोस्तों, किसी भी एरिया के ऑर्गेनाइजेशन से पहले डीक्लटरिंग करना मस्ट होता है, तभी आप उस एरिया को हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रख पाएंगे। जिन कपड़ों को आपने लास्ट 6-8 मंथ से यूज़ नहीं किया है, उन्हें मोस्ट प्रोबेबली आप फ्यूचर में भी यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे कपड़ों को अगर आप अपने वार्डरोब में सजा कर रखेंगे तो ये कपड़े अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे और आपके लिए वार्डरोब को ऑर्गेनाइज्ड रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसे कपड़ों को डोनेट या डिस्कार्ड कर दीजिए। फ्रेंड्स, अपने कपड़ों को हमेशा ही कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज करके रखिए। जैसे वेस्टर्न ड्रेसेस, जीन्स, टॉप, टी शर्ट्स को अलग सेक्शन में रखना, ट्रेडिशनल ड्रेसेस जैसे कुर्ते और लेगिंग्स को अलग सेक्शन में रखना और रोज़ के कपड़ों को अलग सेक्शन में। कोशिश कीजिए कि रोज़ यूज़ होने वाले कपड़े आपके आई लेवल शेल्फ्स पर हों और कम यूज़ होने वाले कपड़े ऊपर के शेल्फ्स पर। इससे आपका वार्डरोब हमेशा ही वेल मेंटेन्ड रहेगा। शर्ट्स और ऐसे ड्रेसेस जिनमें सिलवटें आ सकती हैं, उन्हें हमेशा ही हैंग करके रखना चाहिए। मेरे कबर्ड में कपड़े हैंग करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं अपने साड़ीज़ को ऐसे ऑर्गेनाइज़र बैग्स में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। इन बैग्स में एक साथ आप 8 से 10 साड़ियाँ ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह मैं अपने पार्टी वेयर ड्रेसेस को भी अलग इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बैग्स में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। एक जगह होने से ये मुझे आसानी से मिल जाते हैं और मेरे टाइम की भी बचत होती है। बच्चों और बड़ों के सॉक्स को भी आप अलग इस तरह के छोटे बैग्स में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे ये आसानी से किसी भी फैमिली मेंबर को मिल जाएंगे। बच्चों के स्कूल ड्रेस, रोज़ के कपड़े और पार्टी वियर कपड़ों को भी अलग अलग सेग्रीगेट करके रखने से ये आसानी से मिल जाते हैं और हमारे लिए वार्डरोब को ऑर्गेनाइज्ड रखना काफ़ी आसान हो जाता है। मेरे वार्डरोब के लोअर सेक्शन में मैं बेडशीट्स, टेबल कवर्स,
रनर्स और कुशन कवर्स को अलग अलग ऐसे बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। दोस्तों, जनरली मैं अपने क्रीम्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिंस को भी अपने वार्डरोब में ही रखती हूँ। इनको भी मैंने अलग अलग सेक्शंस में ऑर्गेनाइज करके रखा है। फ्रेंड्स, अगर वार्डरोब में आप अलग अलग तरह के हैंगर्स यूज़ करेंगे तो आपके लिए वार्डरोब को ऑर्गेनाइज्ड और मेंटेन्ड रखना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप एक तरह के हैंगर्स ही अपने वार्डरोब में यूज़ करें। बल्कि हैंगर्स की जगह स्लिम और नॉन स्लिप हैंगर्स का यूज़ कीजिए। इससे आपके वार्डरोब में स्पेस भी मैक्सिमाइज होगा। यूनिफॉर्म हैंगर से आपका वार्डरोब भी नीट और अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आपको अपने वार्डरोब में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस क्रिएट करना है तो अपने कपड़ों को एक स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग फोल्ड कीजिए। जापानीज ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट मेरी कोंडो द्वारा बताए गए कोनमारी मेथड से अपने कपड़ों को फोल्ड कीजिए। दोस्तों, यहाँ इस टी शर्ट को मैं कोनमारी मेथड से फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से टी शर्ट्स को फोल्ड करके आप अपने वार्डरोब में ढेर सारा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ आपके लिए कोनमारी मेथड को अप्लाई करना मुश्किल है, वहाँ आप टी शर्ट्स और पैंट्स को इस तरह से फोल्ड करके अपने वार्डरोब में रख सकते हैं। वार्डरोब को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए कपड़ों को प्रॉपर्ली फोल्ड करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोशिश कीजिए कि आप जब भी कबर्ड में कपड़े रखें, उन्हें प्रॉपर्ली फोल्ड करके ही रखें। ऐसे ड्रेसेस जिन्हें फोल्ड करने से उनमें सिलवटें आ सकती हैं, उन्हें ऐसे हैंगर में हैंग करके आप रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही हैंगर में मैंने इस तरह से दो ड्रेसेस को हैंग करके रखा है। इससे कबर्ड में काफ़ी स्पेस क्रिएट होता है। फ्रेंड्स, अपने वार्डरोब को हमेशा ही सीजन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कीजिए। आउट ऑफ सीजन क्लोथ्स हमारे कबर्ड में अननेसेसरी स्पेस ले लेते हैं और हमारा वार्डरोब क्राउडेड हो जाता है। आउट ऑफ सीजन क्लोथ्स को अच्छे से ऑर्गेनाइजर्स में पैक करके आप कहीं और स्टोर करके रख सकते हैं। दोस्तों, वार्डरोब में जहां ऑर्गेनाइजर्स की रिक्वायरमेंट हो, वहीं ऑर्गेनाइजर्स का यूज कीजिए। अननेसेसरी ऑर्गेनाइजर्स आपके वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के बजाय स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे और आपके वार्डरोब को क्लटर्ड कर देंगे। मगर ऐसे कबर्ड्स जहां कंपार्टमेंट्स नहीं बने हों, उन्हें आप ऑर्गेनाइजर्स के हेल्प से डिवाइड करके अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अपने वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करते वक्त ऑर्गेनाइजर्स का सोच समझकर यूज़ कीजिए। कुछ ज़रूरी ऑर्गेनाइजर्स आपके वार्डरोब को ऑर्गेनाइज्ड रखने में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इनके हेल्प से आप अपने क्लोथ्स को अलग अलग कैटेगरी में सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। मगर इंपल्शन में आकर ढेर सारे ऑर्गेनाइजर्स परचेज कर लेना भी कोई समझदारी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।